डीएम और एसपी वो मिलकर वहां छावनी जैसा बनाया दिया, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया है कि वहां पर काम करने वाला भी हमारा गोरखा पीपल्स है। आने वाला दिन में दिन रात तो उसको सुरक्षा नहीं देगा ना, दिन रात नहीं होगा ना, इसीलिए ये गोरखा लैंड का लड़ाई है, जाति अनुमति का लड़ाई है, इसको ध्यान में रखते हुए उसको भी सोच समझ कर काम करना होगा। नौकरी तो कल भी मिल जाएगा, परसों भी मिल जाएगा, कल गोरखालैंड हो जाएगा उस भी उस समय भी मिल जाएगा, लेकिन जाति उन्मुक्ति पहले होना चाहिए। हम लोग चाहता हूँ सभी पार्टियां आया, सभी साथ में हैं, सभी एक ही स्वर में मिलाया है कि हम लोग सामूहिक एक बना के एवडा एक निर्णय लेकर काम करेंगे। हम लोग का रैली हो रहा था, आराम से रैली हो रहा था, गणतांत्रिक ढंग से, वहां पर अगणतांत्रिक पुलिस ने किया है। पुलिस जितना भी है वो टीएमसी का कैडर जैसा काम करता है, जितना भी है देश का जितना भी सीआरपी हो यहाँ पर भेज दिए, क्या होगा? तब भी ये लड़ाई रुकेगा नहीं। अभी टूरिस्ट लोग को यहाँ से, अभी यहाँ का सिचुएशन देखकर अभी थोड़ा वो लोग को अपना अपना विजन चेंज करना चाहिए, दिमाग चेंज करना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर तानाशाही राजनीतिक हो रहा है, बंगाल सरकार यहाँ पर तांडव मचा रहा है, तो ऐसा में टूरिस्ट लोग कैसा बैठ सकता है? मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और यहाँ पर जितना भी काम करने वाला आदमी लोग आया है वो लोग को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसा दिन रात यहाँ पर जो लाठी चार्ज वगैरह वगैरह हो रहा है तो इसमें कैसा काम कर पाएगा, कैसा टूरिस्ट आदान प्रदान कर पाएगा? अभी स्टैग तो हम लोग का ये अभी ऑफिस का हो रहा है, और आने वाला दिन में कोई भी हो सकता है, और ये बहुत लंबा भी स्टैग हो सकता है।